आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमिटेड की लालटेन के 678वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर 26 नवंबर 2024 को खड़े हुए हैं। सिवनी में एक सड़क फोर लेन का निर्माण हो रहा है। फोर लेन कहा जाए या फिर जबलपुर बाईपास से नागपुर वाले बाईपास को जोड़ने वाला सिवनी शहर के लिए एक मार्ग बनाया जा रहा है और इस सड़क पर यातायात बहुत ज़्यादा। सिवनी में अगर आप नागपुर नाके से बाजार होते हुए जबलपुर नाके तक आना चाहें या फिर जबलपुर नाके से नागपुर नाके जाना चाहें तो एक ही सड़क है, जीएन रोड। सिवनी में MR1 MR2 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही, जिस तरफ ध्यान देना किसी ने भी मुनासिब नहीं समझा। MR1 MR2 का प्रपोजल बीच बीच में अस्तित्व में आता है, पर वो आने के बाद वो अस्तित्व कहाँ गायब हो जाता है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हमारे पीछे अभी टैंकर 26 नवंबर 2024 को अभी एक टैंकर यहाँ से, चूँकि जब हम आ रहे थे तो वहाँ कुछ जो ठेकेदार के कर्मचारी खड़े हुए थे उनके द्वारा ये भी कहा गया कि ये लोग जा रहे हैं, तुरंत टैंकर बुलाओ, टैंकर बुलाकर यहाँ पर सिंचाई करवाई जाए। कहाँ सिंचाई ठेकेदार के द्वारा कराई जा रही है पता नहीं। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, सिर्फ एक पैच आपको यहाँ दिख रहा होगा जिस पैच में पानी अभी फिलहाल डाला गया है। नीले रंग का एक टैंकर आपको जाता हुआ दिख रहा होगा और जहां हम खड़े हुए हैं ये हिस्सा आपको यहां से वहां तक पूरा सूखा ही दिखाई दे रहा होगा। बस जहां जा रही है वो बस को भी अगर आप वहां देखेंगे तो धूल उड़ती स्पष्ट तौर पर वहां पर दिख रही होगी। हम लगातार एक ही बात कह रहे हैं, गिट्टी उछल रही है, विकास हो रहा है, धूल उड़ रही है, विकास हो रहा है, लोगों को गिट्टियां लग रही हैं, विकास हो रहा है, लोग गिट्टियों से चोट लग रही है, लोगों को विकास हो रहा है, गजब का विकास हो रहा है। बारिश के पहले फरवरी मार्च के महीने में इस सड़क की दोनों तरफ खुदाई कर दी गई थी। पूरी बारिश लोग यहाँ किस तरह से निकले, किस तरह से उनके द्वारा यहाँ पे आवागमन किया गया, ये बात सिवनी के नागरिकों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। सिवनी में इस सड़क पर बहुत छोटी सकरी सड़क हो गई थी, अभी तो आपको काफ़ी चौड़ी सड़क दिख रही होगी और हमारे पीछे उड़ती धूल आपको दूर दिखाई दे रही होगी। बस भी जहां जा रही है वहां पर भी धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही होगी। हम थोड़ा सा आगे चल करके देखते हैं कि वहाँ किस तरह की धूल उड़ रही है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, दो दिन तीन दिन पहले हमने आपको इसी जगह खड़े होकर दिखाया था, अभी आप देख सकते हैं कुछ ठेकेदार के कारिंदे दिख रहे हैं, नाप जोख चलती हुई आपको दिख रही होगी। धूल इस तरफ तो पानी डाल दिया गया है पर उस तरफ जहां से आवागमन चल रहा है उस तरफ आपको कहीं भी पानी डला हुआ सड़क के उस तरफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। हमारी आँखों में भी मिट्टी के कण घुस रहे हैं, लोगों को आँखों में परेशानी हो रही है, आँखों में लोगों की आँखों में जलन हो रही है, लोगों की आँखों में परेशानी हो रही है। यहाँ से देखिए, अब आप अगर देखेंगे किस कदर यहाँ से धूल उड़ती हुई आपको दिख रही होगी। धूल उड़ रही है, विकास हो रहा है, पौधों का एस्टिमेटा खराब हो रहा है, पौधों का एस्टिमेटा प्रभावित हुए बिना नहीं है। ये यहाँ पर नाप जोख करते हुए ठेकेदार के कुछ कारिंदे आपको दिखाई दे रहे होंगे और यहीं मिट्टी डल रही है जो सड़क के किनारे मिट्टी यहाँ पर डाली जा रही है और उसको लेवल भी किया जा रहा है, पर कहीं भी आपको यहाँ पानी, थोड़ी सी जगह पर ही पानी डला हुआ आपको दिख रहा होगा, शेष जगह पर पानी नहीं डला हुआ दिख रहा है। देख सकते हैं आप धूल किस कदर उड़ रही है, धूल के कण आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक लगातार यहाँ पर हमारे द्वारा लगातार ही बताया जाता रहा है कि किस तरह यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पर एक डंपर और आया हुआ है, ये डंपर भी संभवतः यहाँ मिट्टी गिराएगा। कोई भी आपको यहाँ एक व्यक्ति
ठेकेदार की तरफ से कोई भी आदमी यहाँ पर लाल या लाल रंग की झंडी लेकर कोई भी खड़ा हुआ नहीं दिख रहा होगा कि ट्रक आ रहे हैं, आप रुकिए, यहाँ से जाना है, यहाँ से नहीं जाना है। कोई भी एक ठेकेदार का कारिंदा आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा जो झंडी दिखाकर यातायात को संचालित करे। सब अपने मन से यहाँ पर देखिए मिट्टी भी गिर रही है और फैलाई भी जा रही है। डंपर अगर आप देखेंगे, एक डंपर ये खड़ा हुआ है, रायसिंह एंड कंपनी बालाघाट, ये एक डंपर यहाँ पर ये दिख रहा होगा, रायसिंह एंड कंपनी बालाघाट पर। यहाँ अगर देखिए यहाँ पर किस असुरक्षित तरीके से इसको अगर आप देखेंगे तो किस असुरक्षित तरीके से मशीनरी चल रही है। एक भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है जो ये कहा जाए कि झंडी लेकर, कहीं झंडी लेकर यातायात को सुचारू संचालन के लिए कोई मिल जाए। एक भी आपको यहाँ पर व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई सुरक्षा के यहाँ मानक दिखाई नहीं दे रहे होंगे। सुरक्षा मानकों को तो दरकिनार कर दिया गया है। और ये कहा जाए कि अब यहाँ अगर आप ये वाला डंपर देखेंगे, ये डंपर भी यहाँ से मुड़कर इधर आ रहा है, पर कहीं पर भी आपको कोई यातायात रोकने के लिए कोई कारिंदा नहीं। MPRDC ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदार की गोद में जाकर बैठ गया है MPRDC के अधिकारी। ये लोगों का क्या आरोप है, हमारा कहना नहीं है। डंपर बैक हो रहा है, पर इस सब के बाद भी एक डंपर ये चला जा रहा है, अगर ये वहां से कोई गाड़ी आकर इससे टकरा जाए, कोई भी यातायात सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किसी के पास भी झंडी लेकर और लाइट लेकर, रात के समय में लाइट होनी चाहिए, दिन में झंडी और लाल रंग की झंडी होनी चाहिए यातायात व्यवस्थित करने के लिए, कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ कोई भी ऐसा नजर नहीं आता है। आप देख सकते हैं सब मनमानी के काम यहाँ पर लगातार जारी है। आपका ठेकेदार की तरफ से आप तो आपका काम क्या है यहाँ पर? साइट सुपरवाइजर हैं। ये ट्रक्स आ रहे हैं, डंपर आ रहे हैं, इनको यातायात व्यवस्थित करने के लिए कोई एकाद वो रखा हुआ आपने, झंडी लेकर व्यक्ति के डंपर आ रहा है रुकिए उधर से जाइए? नहीं, झंडी उधर साइड में थी, वो पीछे थे अभी। नहीं, अभी तो ये देखिए डंपर आपके सामने ही आया है, एक डंपर डाल कर गया है, एक डंपर आगे खड़ा हुआ है। झंडी वाला था जो पीछे चला है, पीछे उधर आदमी तो रहते हैं। अभी ये डंपर हमारे सामने मुड़ा, अगर वहाँ से कोई आके गाड़ी टकरा जाए तब क्या होगा? चलिए मान रहे हैं हमारा कहना सही है, पहली बार कोई व्यक्ति मिला है जिससे हम बात कर पाए हैं। ये हाल है 26 नवंबर 2024 को सिवनी में रायसिंह एंड कंपनी के डंपर, 109 करोड़ की सड़क, ये स्थिति है। सिवनी के कलेक्टर आप इसे देखें, MPRDC के GM हैं वे इसे देखें, बालाघाट और मंडला के सांसद इसे देखें, बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, बालाघाट के सांसद इसे देखें, भारतीय पारदी आप आकर देखिएगा, चार विधायक हैं और इसमें से सिवनी के विधायक दिनेश राय, आपका ये मुख्यालय का काम है, जिला मुख्यालय का काम है, आपको इसे देखना चाहिए। 26 नवंबर को आपके द्वारा किसानों के लिए पंचायत लगाई गई, बहुत चौपाल लगाई गई, बहुत बधाई आपको। पर ये जो लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, इसको भी देखना आपकी नैतिक जवाबदेही है। कलेक्टर सिवनी के द्वारा 8 दिन का समय दिया गया था, कल 8 दिन पूरे हो जाएंगे और अनियमितताएं लगातार यहाँ जारी हैं। किस तरह काम हो रहा है, किस तरह होना चाहिए, कोई भी यहाँ पर सुनने बोलने को तैयार नहीं है। सुपरवाइजर से भी हमारी बात हुई, सुपरवाइजर का भी कहना है कि नित्य कर्म को जो गया है तो उतनी देर काम रोकने के बजाय उनका काम चल रहा है, ये स्थिति है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए लिमटी की लालटेन के 678वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में 600
69वां एपिसोड लिमटी की लालटेन लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको ये सारे पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 669वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।